तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाई और एग्जिट के बारे में कि ये कैसे वर्क करते हैं, और एरर रिपोर्टिंग के बारे में कि आपके कोड में कुछ भी एरर आ जाता है तो आप उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं मान के चलो मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ यस, या मैंने लिख दिया नेक्स्ट, या मैंने लिख दिया डन। तो यस नेक्स्ट डन, ये तीनों आ गए। अगर मैं चाहता हूँ मेरा कोड नेक्स्ट तक ही एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ना हो, तो मैं यहाँ पे डाई यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया। इसमें आप पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो कि स्टॉप, ये सेम आपका एग्जिट काम करता है बिना पैरामीटर के भी। ये हो गया। अब मान के चलो कि मैंने एक वेरिएबल लिया टी आर वाई, इसके अंदर कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगाता तो कोड तो मेरा रन होगा क्योंकि ये एक वार्निंग आएगी यहाँ पे। तो उस एरर को देखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एरर रिपोर्टिंग ई ऑल, उसके बाद आई एन आई अंडरस्कोर सेट, ये कि आपका जो एरर है कोड में। तो आप अगर मैं यहाँ पे इसको एरर गया सेम, इसको जीरो कर दूंगा मैं, एरर नहीं आ रहा, उसको वन कर दूंगा मैं। अच्छा ई ऑल ही कर देता हूँ, जितने भी टाइप के एरर हैं वार्निंग का नोटिस का फैटल ये सारे एरर आ जाएंगे। तो आपको अपने कोड में कभी भी कुछ भी एरर फाइंड करना है उसके इसमें आपको ये दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि एरर रिपोर्टिंग ई ऑल, ऑल टाइप के एरर, आई एन आई अंडरस्कोर सेट, डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर्स, और यहाँ पे वन, दिखाने तो वन, नहीं दिखाने तो जीरो। नहीं दिखा ये वन, तो इसने बता दिया आपको कि जो ये है ये कॉन्स्टेंट है, अनडिफाइन है, क्योंकि ये की नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।